हाँ भाई, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी। तो अगेन हम बात करें ए बी की, ये हमारे पास है ए बी, ए बी, ए हमारे पास है 1 माइनस 5 और बी हमारे पास है -4 5। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो मैंने आपसे कहा था एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये होगा। तो लेट एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी एट पी। आपको मैं ऐसे ही सपोज कर दूं कि सपोज करिए ये हमारी एक्स एक्सिस जा रही है, ये हमारी एक्स एक्सिस, तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा पी, वो इसको K:1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो यही सोचना है, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी एट पी x,0 इंटू K:1 रेशो, ये आपको सपोज करना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए बस सीधा y का फॉर्मूला। सो y हो गया 0 के इंटू 5 1 इंटू -5 अपॉन के प्लस 1। के प्लस 1 इंटू 0 इज 0, 5k-5 या 5k = 5 और k = 1। सो रेशो हमारा आ गया 1:2। अब आपसे कह रहे थे तो रेशो निकालो, आपसे कह रहा पॉइंट भी निकालो। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एक्स जीरो जीरो तो बेटे वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, एक्स कितना होगा? ये एक्स फॉर्मूला में डाल कर देखें। फॉर्मूले में डाल के, शाबाश, क्योंकि अब हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई है, 1:1। अब हम एक्स निकाल सकते हैं, वैसे मिड पॉइंट हो गया। सो नाउ x = m1 x2 बेटे 1 × -4 एंड 1 × 1, या मिड पॉइंट फॉर्मूला जो भी आप कर लो, 1 × -4 प्लस 1 × 1 अपॉन m1 + m2 1 + 1। तो -4 + 1 -3y। तो ये बस, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p-3y2,0। ये बस, मैं आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन अगर हम चेंज करें, अभी हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स एक्सिस कहाँ पे डिवाइड करता है, लेकिन क्वेश्चन में कह सकता है वाई एक्सिस। जरा सब बच्चे खुद से करके देखिए, अगर इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दिया हो तो क्या हो? क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस लिखा हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आ जाए तो बताओ क्या होगा? कोशिश करिए बताइए। सर्वाई के लिए 0 होगा एक्स। वाई के लिए क्या होगा? सर वाई एक्स के लिए 0 होगा। दोबारा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप।
तब y कोऑर्डिनेट के लिए x वैल्यू 0 होगी। हां शाबाश, y के लिए अगर y एक्सिस लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0, शाबाश। क्वेश्चन अभी भी बेटे वैसे ही रहेगा, हमारे पास a 1-5 होगा और b -4, 5 होगा। अब क्योंकि आप कह रहे हो y एक्सिस, ये मान लो हमारी y एक्सिस है, तो इस पे जो हमारा पॉइंट होता है उस पे x 0 होगा इस बार। रेशियो अब केस 2-1 लेंगे अभी भी, तो इस बार जो हम रखेंगे फॉर्मूला वो x का रखेंगे। तो आप x का फॉर्मूला लिख दीजिए, आप लिख दीजिए लेट y एक्सिस डिवाइड्स ए बी इंटू केस 2-1 रेशियो, लेकिन कहाँ पे, एट पी, और पी क्या हो जाएगा 0। तो आपको अब वैल्यू रखनी है एक्स की, सो 0 इज इक्वल्स टू, आप खुद देखिए के इंटू -4, 1 × 1 अपॉन के प्लस 1। तो के प्लस 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -4k + 4k को इधर ले जाओ, तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो ये हमारा आंसर है। तो समझ में आया नहीं आया? जी सर। x एक्सिस के लिए बेटे y का फॉर्मूला लगेगा और y एक्सिस के लिए x का फॉर्मूला। शाबाश, एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिखा तो था लेकिन आपके लिए छोड़ दिया, और मैंने आपसे कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे मार्क कर लीजिए, आपके पास बुक हो तो उसमें निशान लगा लीजिए। बहुत ज्यादा बार ये स्कूल में आ चुका है, स्कूल में एग्जाम में आपके लिए होमवर्क दिया था। बताओ आपने सॉल्व किया या नहीं किया? ये If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, find x and y. बताओ किस किस बच्चे ने किया है? Midpoint का formula आता सीधा सीधा सा। किसी ने किया है ये? अभी? आप में से किसी ने किया नहीं किया? पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम में एक हमारा हो गया 1, 2, एक हमारा हो गया 4y, एक हमारा हो गया x6, एक हमारा हो गया 3, 5। ये बस, तो आपसे कह रहा है इन्हें पैरेललोग्राम, diagonals bisect each other, ये हमारे पास, तो क्या हो जाएगा midpoint of AC is same as midpoint of BD, तो इतना सा करना है बस। तो AC का midpoint कोई क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो 1/1 होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटे? रेशियो तो 1/1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो बताया था आपको। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था बेटे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। आपको चेक करना है एसी, तो एसी का मिड पॉइंट x1 1 है, x2 x है, तो 1 + x/2 और दूसरा आपके पास होगा 2 + 6/2 और किसके इक्वल होगा? बीडी का मिड पॉइंट। तो बीडी का मिड पॉइंट क्या होगा? 4 + 3/2 एंड 5 + y/2। ये मतलब, तो अगर ये होगा तो अब आपको क्या करना है, x वाले कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करना है और y वाले को y से कंपेयर करना
तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा बेटे x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सेवन बाई टू, टू से टू कैंसिल, x इज इक्वल टू सिक्स, और फिर आपके पास आएगा एट बाई टू इज इक्वल टू फाइव प्लस y बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, y इज इक्वल टू एट माइनस फाइव थ्री, ये हमारे पास, तो x इज इक्वल टू सिक्स, y इज इक्वल टू थ्री। बताओ सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये, बहुत आ चुका है एग्जाम, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत आए, तो इसलिए इसको करना है बहुत अच्छे से समझ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ऑलमोस्ट सारे तो हमने कर ही लिए, बस एक क्वेश्चन रह रहा है, ये आप कर सकते हो, तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी बस। ये हमारे पास है, आपसे कह रहा है एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ठीक है, तो उसने हिंट भी दिया है, फॉर्मूला भी दिया है, एक्चुअली ये डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो अगर आपके पास ये रोम्बस है, आपको ऑर्डर में आपके वर्टिसेस गिवन है, ए हमारे पास हो गया 3 0, बी आपके पास हो गया 4 5, सी आपके पास हो गया -1 4, और डी आपके पास हो गया -2 -1, तो आपसे कह रहा है एरिया निकालो, तो आपको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है एसी, डिस्टेंस एसी फॉर्मूले वाले से, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालनी है एसी की, आपको पता है क्या होती है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सारे बच्चे जरा डिस्टेंस निकालो AC और फिर डिस्टेंस निकालो BD, उसका भी यही हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2 AC इंटू BD। जल्दी बताओ क्या आंसर आया, फिर AC 8, AC इज इक्वल्स टू 8। गुड जी, जी सब बच्चों का आंसर आ गया, अभी एसी कितना आया था सर? 8। एसी हमारा आया 3 -1 +1 एंड 0 - 4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 = 32, और बीडी हमारा कितना आया सर? 4 - - +, and 5 - - +, तो 36 36 72, अच्छा 32 होता है 4√2 और 72 होता है 36 2 6√2, तो अब एरिया क्या हो जाएगा सर?
एरिया ऑफ एबीसीडी हो जाएगा सर हाफ इनटू 4 रूट 26 तो हाफ 4 रूट 2 इनटू 6 रूट 2 रूट 2 से रूट 2 2 कैंसिल 4 6 जा 24 जो भी यूनिट आया सेंटीमीटर मीटर को हम यहाँ यूनिट ही लिख देते हैं यूनिट स्क्वायर तो ये आपके पास थी सेकेंड एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड किसी बच्चे को सेक्शन फॉर्मूला में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए हाँ भाई पूछना किसी को जी सर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को या नहीं भाई बोला तो करो सर समझ आ गया है जी चलो सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ देखो कितने पानी में हो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं बताइए ये क्वेश्चन कौन बताएगा जी आंसर आता है क्वेश्चन ये आयान यस सर ये क्वेश्चन आता है आपको रवि आयान सलमान सर मुझे तो समझ नहीं आया हां जी ये समझ नहीं आया सर थर्ड फोर्थ डी कैसे निकालेंगे सर समझ में तो आ जाएगा अगर आप फिगर बना लोगे जो डर गया वो घर गया तो डरने की नहीं हो रही काला पीला करने की हो रही है पेन चलाओ पहले बहुत इजी क्वेश्चन है yes. डरने से पहले आप लोग जरा कोशिश किया करो कि क्या है क्या रहा है इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया करो फ्रॉम द क्वेश्चन फिर देखो रास्ता मिलेगा सुहेब कोशिश करो बेटे मिड पॉइंट पे बेस्ड है बेटे सिंपल और मिड पॉइंट तो फॉर्मूला इजी है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी अरे बेटे मिड पॉइंट ऑपोजिट साइड में कहां अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी तो किया था हमने वही है बस फॉर्मूला मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD चलो कोशिश करो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर स्वेव आंसर दो जल्दी से